मुंबई के मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा सोसाइटी में बकरीद के लिए बकरा लाने पर विवाद हो गया। जैसे ही परिवार सोसाइटी में बकरा लेकर पहुंचा तो कुछ लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते यह बहस बढ़ती गई और सोसाइटी के और लोग इकट्ठा होने लगे। अब बवाल इतना बढ़ चुका था कि बजरंग दल समेत हिंदू संगठन के लोग सोसाइटी में पहुंच गए। इस बीच विरोध कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और जय श्री राम के नारे लगाए। मौके की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस सोसाइटी और किसी तरह वहां से भीड़ को हटाया। मिली जानकारी के अनुसार मोहसिन शेख नाम का एक शख्स बकरीद पर कुर्बानी के लिए सोसाइटी में दो बकरे लाया था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चला तो लोग सोसाइटी के बाहर जमा हो गए और बकरे बाहर ले जाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते विरोध कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो भारी संख्या में पुलिस टीम पर पहुंची और मामला शांत कराया। इस दौरान सोसाइटी के लोगों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हो गई। पुलिस अधिकारियों ने सोसाइटी के लोगों को बताया कि नियम के मुताबिक सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती और हम ऐसा करने भी नहीं देंगे। अगर ऐसा किया जाएगा तो केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई आदमी बकरा घर में ला सकता है या नहीं। फिर भी हम लोगों की भावना को देखते हुए बकरा यहाँ से ले जाने के लिए कहेंगे। हालांकि बकरा लाने वाले शख्स का कहना है कि हम लोग कभी भी सोसाइटी में कुर्बानी नहीं करते हैं, हमेशा कत्लखाने में या फिर बकरे की दुकान पर करवाते हैं। लेकिन इस बार बकरा लाने के बारे में जैसे ही सोसाइटी के लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले में मीरा रोड पुलिस के कहने पर मोहसिन शेख ने बकरों को सोसाइटी से बाहर कर दिया है। पुलिस ने लोगों से कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने फ्लैट में बकरे नहीं ला सकता। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।